अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से मैं आप सभी को BSU एक्सपर्ट ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 13 में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह ताला की जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाई कि मैं आप सभी को BSU एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे सकूँ। तो इससे पहले मैंने SU की जो 12 लेक्चर कम्प्लीट कर दी थी, जिसके अंदर मैंने कीवर्ड रिसर्च के पूरे मैंने कम्प्लीट कर दिए A to Z, बेसिक टू एडवांस CPA के लिए अभी तक मैंने कीवर्ड रिसर्च नहीं करवाई, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जैसे कि क्लिक बैंक के लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और गूगल एडसेंस के लिए भी किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है वो भी मैंने बिल्कुल पूरा कंप्लीट करके दिया हुआ है सेटअप, ठीक है। अब देख सकते हो मेरे इस चैनल टेक्निकल प्रेस यूट्यूब के अंदर वो मौजूद है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको SU एक्सपर्ट ट्रेनिंग का एक प्ले लिस्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो और एक बात कि अगर आप मुझसे SU सीख रहे हो तो मेरी इस ग्रुप BSU एक्सपर्ट इस ग्रुप के अंदर आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर मैं मजीद चीजें शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी को बहुत आसानी होती है। SEO की जो टूल्स वगैरह मैं शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर है वो खास है, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के अंदर डाला जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब वेबसाइट अपना क्रिएट कर देते हैं तो एक वेबसाइट क्रिएट करने के बाद ऐसे नहीं होते कि हमारी वेबसाइट जो गूगल गूगल को पता चल जाए कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है। तो गूगल को पता चलना चाहिए कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे साइट मैप्स होती है। तो साइट मैप्स क्या होती है, यहाँ पे जो साइट मैप्स होती है, ठीक है। तो साइट मैप को हमें गूगल में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो साइट मैप क्या होता है कि जो हमारा वेबसाइट होगा, ठीक है, तो हमारे वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पोस्ट होगा, ठीक है। 1000 पोस्ट होगा, या फिर 500 पोस्ट होगा, या फिर 100 पोस्ट होगा, जितने भी होगा और जितने भी पेजेस होगा हमारे वेबसाइट के अंदर, उन सारी पोस्ट पेजेस को साइट मैप के अंदर, एक साइट मैप के अंदर वो आ जाती है एक प्लगइन के थ्रू, ठीक है। जिसके जिस प्लगइन का नेम नेम है, ठीक है, XML साइट मैप, ठीक है, जो वर्डप्रेस की प्लगइन है ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, सारी वेबसाइट को एक ही जगह पे लेके आ जाते हैं, और उसी साइट मैप को हमें गूगल के अंदर डालना पड़ता है। और गूगल क्या करते हैं, उसी साइट मैप के थ्रू हमारी पोस्ट को ट्रैक करते हैं, और उसको पता चलता है कि मैंने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है। अगर कोई भी यूजर कोई पोस्ट सर्च करे, अगर वो पोस्ट मेरे वेबसाइट पे मौजूद है और मेरे SEO वगैरह ठीक ठाक है, तो वो गूगल क्या करेगी, मेरे वेबसाइट को शो करवाएगी उस यूजर को, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है साइट मैप, ठीक है। तो साइट मैप को हमें गूगल पे सबमिट करना पड़ता है। तो गूगल में साइट मैप सबमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले तो हमें वेबमास्टर टूल्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक गूगल एक सर्च इंजिन है, ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ गूगल की अकेले जो साइट मैप नहीं है, गूगल के अलावा बिंग की साइट मैप भी मौजूद है, ठीक है। तो आप गूगल के अलावा बिंग पे भी साइट मैप सबमिट कर सकते हो, जो कि मैं दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं। तो वेब मास्टर टूल्स लिखने के बाद आपके पास सबसे पहले जो आ जाएगा, ठीक है, google.com/webmaster, तो ठीक है। तो यह इस पे आपको क्लिक करना है, तो मैं इसका लिंक भी नीचे दे देता हूँ, ठीक है। मैंने लिंक दे दिया। अब आपको करना क्या होगा कि आपको जो अपने जीमेल के थ्रू इस पे लॉग इन करना है, ठीक है। तो आपको सर्च कंसोल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, और साइन अप कर लेना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप सर्च कंसोल पे क्लिक करोगे, तो मेरा तो पहले से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो इसने ले लिया है, तो मेरे आ चुका है, ठीक है, जो गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है, ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, ठीक है, अब आपको करना होगा कि अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना, ठीक है। तो मेरा जो वेबसाइट है, ठीक है, technicalplace.com, मैं इसी के थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। तो सब तो
तो मुझे क्या करना है, जिस वेबसाइट की URL को कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब मुझे जाना होगा, मैं टेक्निकल, पहले जो मेरा बना हुआ था ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ठीक है, ताकि आप सभी को मैं फिर से दोबारा सा इसको करके दिखा सकूँ ठीक है। तो पहले जो मेरा था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक दफा। तो मैंने उसको रिमूव कर दिया ठीक है, अब मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जब गूगल कंसोल ओपन हो जाएगी तो आपको इस तरह से नहीं आएगी, क्योंकि आपको पहले से कोई वेबसाइट मौजूद नहीं होगा, लेकिन मेरे एक वेबसाइट है newcode.es, ये वेबसाइट मेरा मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है उसको पेस्ट कर दूंगा। तो आपकी जो भी वेबसाइट होगा आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो तब इस वेबसाइट मेरा है कि दूसरे का, इसको वेरीफाई करने के लिए एक अगर एक कोड मुझे देगा, उससे मुझे पता चलेगा ठीक है। तो इसने ये कोड दिया हुआ है, तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और HTML टैग वाला वेरिफिकेशन मेथड को मैं चूज करूंगा ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टैग मिल चुका है, तो मैं इसको क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, टैग मुझे मिल चुका है। अब मैं मेरे वेबसाइट के अंदर जाऊंगा ठीक है। अब वेबसाइट के अंदर आपके अपीयरेंस के अंदर ठीक है, तो आपके अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन होगा, लेकिन मेरे नहीं है, क्योंकि मैंने एक सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए नहीं है। तो मैं जाके उस प्लगइन को पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि ये ऑप्शन मुझे दिख जाए। मैं पहले उस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर देता ठीक है। तो जो आइथम सिक्योरिटी है एक प्लगइन है ठीक है, इसको अनइंस्टॉल करना है। और दूसरा प्लगइन जो है ठीक है, वार्डफेंस सिक्योरिटी, ये दूसरा प्लगइन है। दो प्लगइन मैंने इंस्टॉल करके रखी थी, जिसके लिए वो ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी की काम करती है, और उस ऑप्शन में कुछ छेड़खानी गलत हो गई तो मेरी वेबसाइट में डैमेज हो सकती है, इसीलिए ऑप्शन कोई इन दो प्लगइन हाइड कर देता है। अब जब मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, तब अब मुझे अपीयरेंस के अंदर ठीक है, अपीयरेंस के अंदर अब मुझे एडिटर मिल चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ठीक है, तो क्या करके थीम की जो कोड वगैरह है उसमें मुझे ले के आ जाएगी ठीक है। तो इस ये क्या किया कि मेरे थीम की जो कोड है ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमने क्या किया था, इस कोड को हमने कॉपी किया है ठीक है, और ये बोल रहा है कि हेड सेक्शन के अंदर मुझे डालना है इसको ठीक है, बॉडी क्लोज होने से पहले हेड सेक्शन के अंदर डालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर, यहाँ से आपको थीम को चूज कर लेना है ठीक है, कौन सी थीम है। तो मैंने रेवेन्यू फ्लो का जो थीम से उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इस थीम को मैंने चूज कर लिया है ठीक है। अब मुझे हेडिंग ढूंढना है ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है थीम फुटर और थीम हेडिंग ठीक है, हेडर। तो मुझे थीम हेडर पे क्लिक करूंगा, तो हेडर का जो भी कोड है इसके अभी सामने आ जाएगा, और वहां पे मैं इसको कोड को पेस्ट कर दूंगा। तो थीम की जो हेडर ये आ चुका है, तो यहाँ पे बोला भी गया है कि थीम की हेडर पे डालना है ठीक है, थीम की हेडर पे डालना है बिफोर द बॉडी, बॉडी क्लोज होने से पहले। तो मैं थीम की हेडर पे आ चुका हूँ। अब हेडर यहाँ से स्टार्ट होती है ठीक है, ये HTML कोड स्टार्ट होता है हेडर ठीक है। तो इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा कोड को, अब मैं अपडेट फाइल कर दूंगा। तो अब फाइल अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया और अपडेट भी कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, अगर मैंने सब कुछ सही किया हुआ है, कोड सब कुछ डाला हुआ है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, इसका ओनरशिप मैं गूगल को पता चल जाएगा ठीक है। तो मैं आप क्या करूंगा, इस पर वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, ये वेरिफिकेशन चेक कर रहा है। तो इसने कह दिया कि ओनरशिप वेरीफाइड। तो मैंने जो कोड डाला तो बिल्कुल सही था, इसका इस वेबसाइट का जो ओनर मैं हूँ उसको गूगल को भी पता चल चुका है। आप क्या करोगे, आप डन कर दीजिए ठीक है। तो अब ये हो चुका है, अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको वेबसाइट है उसका भी एक ऑप्शन आ चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा और मेरी वेबसाइट के मतलब गूगल सर्च के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो मेरा जो वेबसाइट है पहले से बना हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक वगैरह दिखा रहा है ठीक है, तो इस तरह से मैं दिखा रहा है ठीक है। तो मेरा जो पहले से साइट मैप वगैरह पब्लिश हुआ हुआ है ठीक है, तो दिखा रहा है। तो मुझे जो मेन चीज दिखाना था कि गूगल के अंदर किस तरह से हमारी वेबसाइट को क्रिएट किया जाए ठीक है, गूगल को बोला जाए कि गूगल भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई है ठीक है, आपको ये पता चले, ये लीजिए मेरी वेबसाइट। तो मैंने कर दिया गूगल के अंदर ठीक है। अब क्या करना होगा, गूगल को बोलना होगा कि
गूगल भाई, मैंने मेरे वेबसाइट के अंदर इस कंटेंट को डाला हुआ है, ठीक है। अगर कोई यूजर उसको वो पूछे तो मेरे इस वेबसाइट को उसको डालना, ठीक है। तो ये मुझे अब बोलना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो करना होगा, साइट मैप को करना होगा। तो अगर आपने मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने साइट मैप किस तरह से जनरेट किया जाता है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने ऑटो इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर डाला हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक दफा दिखा देता हूँ कि ऑटो इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप ऑटो इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर जो यहाँ पे आप एक वीडियोस ऐसी है कि वहां पे मैंने बोला हुआ है, तो वीडियोस कौन सी वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पार्ट फाइव के अंदर उसको डाला हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से मजे उसको पता चल जाएगा किस तरह से क्या करना होता है, साइट मैप वगैरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है, दूसरी बात मैं यहाँ पे भी अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्लगइन, एक प्लगइन के अंदर, ठीक है, एड न्यू प्लगइन के अंदर एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। वो प्लगइन मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है साइट मैप, ठीक है। तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, गूगल XML साइट मैप, ठीक है। तो ये इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जैसे मैंने अभी किया, ठीक है, वेबमास्टर टूल के अंदर मैंने वेबसाइट को डाला हुआ है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे साइट मैप का, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलेगा एक साइट मैप का इंडेक्स के अंदर, आपको एक साइट मैप का, ठीक है, इंडेक्स के अंदर आपको साइट मैप मिलेगा। तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना साइट मैप को पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने पहले से आप देख सकते हैं एक साइट मैप को पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको तो डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा से एक साइट मैप को पब्लिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइट मैप को पब्लिश करने के लिए अगर आपने जो मैंने अभी जो प्लगइन बोला है, ठीक है, गूगल XML साइट मैप, अगर आपने इसको इंस्टॉल करके रखे, तो इसका जो साइट मैप बनता है उसका एड्रेस वो होता है कि आपकी वेबसाइट होते हैं, और आपकी वेबसाइट होते हैं और साइट मैप .xml इसका एड्रेस ये होता है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के नेम और साइट मैप .xml। अब मैं इसको सबमिट करूंगा। अब ये बोल रहा है साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली, अब गॉट इट, ठीक है। अब मैंने साइट मैप मेरा सबमिट हो चुका, मैं एकदम रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मेरे साइट मैप को सबमिट कर दिया। यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से एक साइट मैप को सक्सेसफुली यहाँ पे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये साइट मैप सबमिट हो चुका है। तो अब आपने पहले क्या किया, गूगल को बोला है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसका नेम वगैरह ये है। आप साइट मैप पब्लिश करके अपने गूगल को ये बोल दे कि मेरा वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट मैं डालूंगा वो कंटेंट क्या का होगा। तो गूगल को पता चल चुका है, गूगल के आपकी वेबसाइट के बारे में पता चल चुका है। जब सब कुछ हो जाए, ठीक है, तब आपको करना क्या होगा कि और एक प्लगइन जो था योस्ट एसईओ प्लगइन, अगर आपने इसको भी इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपको मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सब कुछ पता चल रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है योस्ट पोस्ट ओवरव्यू के अंदर, अगर आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है, कोई भी सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स नहीं है, तब आपको यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर की ऑप्शन आएगी, ठीक है। जब मैंने साइट मैप डाल दिया है, पोस्ट वगैरह भी डाल दिया, ठीक है, गूगल को बोल दिया कि मैंने वेबसाइट ये है, जब ये हो जाएगा तो अब मैं फेच द कारंट स्टेटस, मतलब आपकी क्या स्टेटस है, अब मैं इसको फेच करूंगा। तो अगर एक ग्रीन होता है तो मुझे पता चलता है कि गूगल को भी पता चल चुका है, ठीक है। तो अब एक ग्रीन बोल रहा है, ठीक है, इंडेक्स चेक बाय रेट, तो ग्रीन बोल रहा है, यहाँ पे बोला हुआ है योर होम पेज कैन बी इंडेक्स बाय सर्च इंजिन। तो ये बोल रहा है कि अब आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजिन पे इंडेक्स हो चुका है। तो अब क्या है कि गूगल को भी पता चल चुका है कि मेरा एक वेबसाइट है जिसका नेम है ये, और इसके अंदर मैं पोस्ट डालूंगा। तो ये था गूगल साइट मैप का
मतलब वेब मास्टर टूल्स का डिटेल्स, ठीक है, कि वेब मास्टर टूल्स के आप अंदर आपको क्या करना होगा। पहले आप मैं ओवरव्यू पे आ जाता हूँ, अब मैं मजीद आपको समझाता हूँ कि वेब मास्टर टूल्स से आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो वेब मास्टर टूल्स के अंदर आपको पता चल जाता है कि डेली आपकी वेबसाइट की वेबसाइट में गूगल से कितना क्लिक्स वगैरह मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 13 अक्टूबर को मुझे गूगल से 2 क्लिक मिला हुआ है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डिटेल्स ओवरव्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ग्रीन कलर की यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलिड पेजेस है वो दिखा रहा है, जो रेड कलर की है वो एरर पेज दिखाती है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे और भी मजे, यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी, ठीक है, तो मोबाइल की ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि मोबाइल के अंदर कितने पेज, मतलब मोबाइल से अगर कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसके मुताबिक मेरे वेबसाइट कितने परफॉर्मेंस दे रहा है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको सब कुछ गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल इम्प्रेशन 136, मतलब गूगल के अंदर टोटल मेरा 136 इम्प्रेशन हुआ है और उसमें से 8 क्लिक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इवेंट ब्लॉगिंग कोर्स को सर्च करते हुए मेरे मेरे वेबसाइट राइट रैंक किया है और उस पर 1 क्लिक भी आई है, मतलब मेरे वेबसाइट के अंदर आ चुका है। ARS के अंदर सर्च करते हैं मेरे वेबसाइट इम्प्रेशन 14 दफा, लेकिन कोई भी नहीं आया है, ठीक है, एशियन ब्रिज को नहीं आया, क्योंकि अगर कोई गूगल में ARS एशियन टूल्स इस तरह के टूल्स लिखता है तो थोड़ी ना मेरे वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि वो उसकी खुद की वेबसाइट पे जाएगी, ARS की वेबसाइट पे जाएगा, एशियन ब्रिज की वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप 10 थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलता है यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे लिंक लिंक भी मिलता है कि आपने किस वेबसाइट को लिंक किया है, किसने आपकी वेबसाइट को लिंक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टॉप लिंक पेज की आपने कौन सी लिंक, मतलब कौन सी लिंक को ज्यादा किया है, तो मेरा सबसे मेरा होम पेज ही है, क्योंकि मैं मेरे होम पेज को बहुत दफा लिंक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि होम पेज को मैंने 83 दफा, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस को 71 दफा, ठीक है, कैटेगरी यूट्यूब वीडियोस को 56, यहाँ पर पूरा डिटेल्स डिटेल्स मौजूद है आपके, ठीक है। और इसके लिंक्स के अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ओनरशिप वेरिफिकेशन हो चुका है, और यहाँ पे बोल रहा है आप चाहो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था गूगल वेबमास्टर टूल्स की एक कंप्लीट ओवरव्यू, ठीक है। अब आपको गूगल वेबमास्टर टूल्स हो चुका है, ठीक है। अब जो है कि आप अपने वेबसाइट को ट्रैक किस तरह से कर सकते हो विजिटर को, तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी विजिटर आपकी वेबसाइट में आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी डिवाइस का यूज करते हुए आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए आपको गूगल के अंदर, ठीक है, तो पहले जो था वेबमास्टर टूल्स था, आप जो है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, इसको इस पे सर्च करोगे, ठीक है, तो अब आपकी जो पहले आ जाएगी analytics.google.com, ठीक है, ये जो पेज है आपको आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको आपसे शेयर कर देता हूँ इसको भी, तो मैं भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा गूगल एनालिस्ट ठीक ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से नहीं ओपन होगा, आपको कुछ अलग तरीके से ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि आपके तो पहले से बना हुआ नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इस तरह से ओपन हुआ है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट को ऐड करके रखा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने नया वेबसाइट ऐड करता हूँ, तो आपको ओपन होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपकी ओपन होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का नेम देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके अकाउंट का नेम देना है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट नेम दूंगा, ठीक है, तो प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ, यहाँ पे वेबसाइट का नेम देना होगा, तो मैं अकाउंट का नेम एंड वेबसाइट का नेम भी सेम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके वेबसाइट की URL देना होगा, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट की URL दूंगा, ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से HTTP है, तो मेरा जो HTTPS है ठीक है, तो मैं HTTPS करके यहाँ पे बस ये दूंगा डब्ल्यू सब मेरे वेबसाइट कर दूंगा ठीक है। अब हो चुका है, अब इंडस्ट्री आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन कौन सी इंडस्ट्री रिलेटेड है ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, अगर आपसे कोई भी मैच नहीं होती है तो आप अदर्स भी कर सकते हो ठीक है। तो मैं यहाँ पे अदर्स करके छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे जो टाइम जोन वगैरह क्या होगा आपकी वेबसाइट की, तो यहाँ पे आप इंडिया कर सकते हैं ठीक है। तो मैं यहाँ से इंडिया कर देता हूँ। अब आपका करना है गेट ट्रैकिंग आईडी, इस पे क्लिक करना है, आपको एग्री करना है इसको ठीक है, को इसको भी एग्री करना है, और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे कोड मिल चुका है ठीक है, आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस कोड को भी आपको हेडर के अंदर डालना है, तो मैं फिर से वेबसाइट के अंदर आ चुका जाता हूँ, अपेयरेंस के अंदर एडिटर है इसमें जाता हूँ। यहाँ से थीम देख लेता हूँ, जो थीम मैंने एक्टिव किया है वही थीम है ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और यहाँ से थीम हेडर को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हेडिंग है, उसके नीचे मैं फिर से डालूंगा, अब मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम हो चुका है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं होम पे जाऊंगा, तो मुझे जो करना था उसको मैंने कर दिया है ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी भी कोई वेबसाइट नहीं है, अगर मैंने सब कुछ सही डाला हुआ है तो यहाँ पे अभी एक्टिव वन दिखाएगा यूजर ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, मेरी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करूंगा ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वहां पे, तो अभी मैं मेरे वेबसाइट के अंदर हूँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे वेबसाइट के अंदर अब मैं हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस पोस्ट को ओपन करके देखूंगा ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे तो अभी एक्टिव यूजर वन नहीं दिखा रहा है ठीक है, लेकिन ये जल्दी दिखाएगा, इसको अपडेट होने पे मजीद टाइम लग रहा है ठीक है। तो ये तो अभी शो नहीं कर रहा है ठीक है, तो फिलहाल तो ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है ठीक है, जल्दी शो करना स्टार्ट कर देगा ठीक है। तो फिलहाल कुछ कैचअप की वजह से शायद इशू हो रहा है, तो मैं दूसरा वाला दिखा देता हूँ। तो इससे पहले मैंने
है, इसलिए शायद ये इशू कर रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है आपके पास, इशू नहीं होगा। मैं एक दफा इसको, मैं दूसरी वाला जो वेबसाइट था, इससे पहले मैंने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला जो था उसको भी मैंने सेम ही किया था, और वो तभी शो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद में वो शो कर रहा था। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपके सामने, ठीक है? तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इसको जो था, ठीक है? तो मैंने जब किया था तो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है अभी एक्टिव यूजर इतना है, ठीक है? तो अब मैं इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, अब आपको अभी लाइव पता चल जाएगा, ठीक है? तो मेरा वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे देख रहा अभी एक्टिव यूजर 1 दिखा रहा है, ठीक है? 0 मिनट एगो पेज भी 1 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी अभी 1 हो चुका है, ठीक है? तो इसको मैं जब आपके सामने लाइव किया था तब यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में शो होना स्टार्ट हो गया था, और अभी भी आपके सामने लाइव है, ठीक है? अभी मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है? और यहाँ पे 1 शो कर दिया है, ठीक है? तो शायद गूगल आजकल को ज्यादा ही टाइम ले रहा है, ठीक है, इस कोड को इंसर्ट करने में, ठीक है, इसको वैलिडेट करने में। तो पता नहीं इशू क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले करते ही तुरंत हो जाता था, लेकिन अब इसमें कुछ टाइम वगैरह लग रहा है। तो ये मेरा हो चुका है, ठीक है? और मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि इस कोड को मैंने बिल्कुल वही पे डाला हुआ है जो भी मैंने डाला हुआ था। ट्विटर पे तो यहाँ पे वो कोड मैंने डाला हुआ है, ठीक है, हेडर के अंदर ही।